अरमान ने रंगे हाथों पकड़ी विद्या की चोरी, कावेरी का गिफ्ट देख घूमा विद्या का दिमाग। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला हम सब का मन पसंदीदा टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में क्या कुछ नया अपडेट होगा, चलिए आपको बताते हैं। बट मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अभीरा और अरमान के बच्चे के लिए कावेरी कुछ नए कपड़ों की शॉपिंग करके लाती है, जिसे वो दिखा करके कहती है कि देखो लड़की, तुम हमारी सबसे चहेती हो, इसीलिए हम लाए हैं यहाँ पर तुम्हारे बेबी के लिए कुछ नए कपड़े। अभीरा और अरमान नए कपड़े देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तभी अभीरा कहती है कि दादी साहब, आपने बच्चे के कपड़े लाने तो शुरू कर दिए, लेकिन जो आपने छोटू बेबी का क्लोसेट बनवाया है वहाँ तो लेके चलिए। तभी वो कहती है कि ठीक है, तुम लोग चलो मेरे साथ। इन लोगों का निकलना होता है और उधर विद्या का आना होता है। विद्या जैसे ही देखती है कि दादी साहब यानी कि कावेरी नए कपड़े लाई है, उसे टेंशन हो जाती है। वो कहती है कि आखिर ये ऐसा कैसा कर सकती हैं, इन्हें तो अच्छे से पता है कि न्यूबॉर्न बेबी को पुराने कपड़े पहनाने चाहिए ताकि वो चुभे ना, गड़े ना, आखिर ये अभीरा के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो यही सब आप देखेंगे। इसी चक्कर में जो विद्या है वो अपने पुराने कपड़े जो बच्चों के हैं, जो उसने कुछ रूही को दे दिए और जो अभीरा के हिस्से के थे, वही कपड़े नए कपड़ों से रिप्लेस करने वाली है। लेकिन तभी अन मौके पर आ जाएगा अरमान, साथ में अभीरा और दादी साहब भी। दादी साहब के बार बार पूछने पर विद्या फाइनली कन्फेस करेगी कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैंने अभीरा के बच्चे के बारे में कुछ बुरा सोचा हो। डे वन से मैंने हमेशा उसके बच्चे के लिए प्रार्थना की है कि वो सही सलामत इस दुनिया में आए। आप ऐसा मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकती। तभी दादी साहब पूछती हैं कि अच्छा, और अरमान के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं? और विद्या अरमान को देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं। यही सब दिखाया जाएगा अपकमिंग एपिसोड में। देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे यहाँ पर सारी कहानी आगे बढ़ती है।